हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। तो बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी की हमारी थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर डिजीज। तो एंडोक्राइन सिस्टम की कंप्लीट डिजीज हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करने हैं नेक्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम एंड देयर डिजीज के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम सभी जानते होंगे और सभी ने इसके बारे में स्टडी किया होगा पहले भी, क्योंकि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपको ये स्टडी करना होता है। टॉपिक दिया गया है हमारे यहाँ पर डिजीज के बारे में स्टडीज करना है, लेकिन टॉपिक दिया हुआ है नर्वस सिस्टम एंड उसकी डिजीज के बारे में। तो हमें नर्वस सिस्टम के बारे में भी जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड सेल दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है या सेल है, जो बेसिकली सिग्नल्स को हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती है। और नर्वस सिस्टम की जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आप सभी ने देखी होगी और सभी जानते भी होंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा नर्वस सिस्टम के अंदर। इट कंप्राइज टू मेन पार्ट्स। बेसिकली नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए, इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड किसमें होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग रेस्पॉन्स। जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करता है कौन? ब्रेन। और उनको कोऑर्डिनेट करता है कि क्या रेस्पॉन्स देना है। सेकंड है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नर्व दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी कनेक्टिंग द सीएनएस टू लिम एंड ऑर्गन। बेसिकली ये कनेक्ट करती है, ऐसी नर्व होती हैं सीएनएस को लिम्ब से कनेक्ट करती हैं, जैसे स्पाइनल कोर्ड से कनेक्ट करती हैं। वो काम कौन करता है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे फंक्शंस की कि नर्वस सिस्टम जो भी है सीएनएस पीएनएस है वो क्या काम करते हैं, कैसे इनका क्या फंक्शंस होता है। तो थ्री फंक्शंस बेसिकली होते हैं इसके। सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट क्या होता है? रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर। मतलब कि यहाँ पे चोट लगी है, ये हमारा ब्रेन है, तो यहाँ से जो चोट लगने का मैसेज है वो ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? सेंसरी इनपुट के थ्रू जाएगा, सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगा। तो एक काम तो ये हो गया, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों काम होते हैं। सेकेंड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है? प्रोसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट एंड डिसाइड ऑन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। इंटरप्रेशन बेसिकली किसके थ्रू होता है? ब्रेन के थ्रू, सीएनएस के थ्रू। क्योंकि जो भी मैसेज आया है सेंसरी इनपुट के थ्रू उसको अप्रोप्रिएट करना हो और रेस्पॉन्ड करना है। लास्ट है मोटर आउटपुट। अब मोटर आउटपुट का क्या काम है? यहाँ से इंफॉर्मेशन को, जो भी मैसेज इंटरप्रेट हुआ उसको यहाँ तक वापस लेके आएगा। तो रेस्पॉन्ड टू इंटीग्रेटेड स्टिमुलाई बाय एक्टिवेटिंग अफेक्टर ऑर्गन मसल्स और ग्लैंड थ्रू मोटर न्यूरोन। मतलब कि जो एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा जब सुई चुबाते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने सुई चुबाई तो यहाँ पे सुई चुबाने का जो मैसेज है वो ब्रेन को गया और ब्रेन ने रेस्पॉन्स किया मोटर नर्व के थ्रू और तुरंत आपने हाथ पीछे किया कि आपको सुई चुभने वाली है। चुभ भी जाती है लेकिन फिर भी एक बार हाथ पीछे की ओर आ जाएगा। तो ये एक फास्ट प्रोसेस होती है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे समझा रहे हैं इसलिए स्लो लग रही, लेकिन बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर ये परफॉर्म होती है। थर्ड पॉइंट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर आप जानते हैं, फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज सेल दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। थ्री पार्ट होते हैं न्यूरॉन के अंदर, सेल बॉडी एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स।
देखे होंगे आपने, स्ट्रक्चर देखी होगी। तो सेल बॉडी क्या होती है, कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। बेसिकली किसके अंदर होते हैं, सेल बॉडी के अंदर। एक्सोन जो इसका बीच का पार्ट होता है, मतलब कि देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये हमारी एक्सोन्स हो गई और ये डेंड्रोइट्स हो गई, और इधर हमारा आ जाता है ये न्यूक्लियस आ गया। तो ये हमारी सेल बॉडी हो गई, ये एक्सोन हो गया और ये डेंड्रोइट्स हो गई। तो डेंड्रोइट्स है ब्रांच लाइक एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन्स। यहां से सिग्नल को रिसीव किया जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन से, जो भी नेक्स्ट न्यूरॉन होगी वहां से सिग्नल को कलेक्ट किया जाता है इस साइड से, सिनेप्स से। टाइप ऑफ न्यूरॉन, बेसिकली थ्री टाइप्स की न्यूरॉन होती हैं, सेंसरी, मोटर और नर्व इम्पल्स। सेंसरी का काम होता ही है, पहले बता ही दिया मैंने, ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, और ये ट्रांसमिट मोटर सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड, जहाँ पे भी रिस्पॉन्स हमें चाहिए। नर्व इम्पल्स का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं दैट ट्रेवल अलोंग न्यूरोन, जो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरोन नर्व सिस्टम, बेसिकली ये कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है नर्व सिस्टम के अंदर। सिक्स पॉइंट है हमारा ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कोड रह गया है हमारा। तो ब्रेन क्या है, सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्व सिस्टम है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट इमोशन एंड कंट्रोलिंग वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, दोनों एक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कोड का क्या काम है, कनेक्ट द ब्रेन टू पीएनएस, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसको ब्रेन से कनेक्ट करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने बताया ना आपको एग्जाम्पल, स्पिन चुबाते हैं तो हाथ पीछे की ओर आता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम, सॉरी पेरिफेरल नर्व और ब्रेन के बीच ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को कौन, इन जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को पेरिफेरल नर्व सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं, जैसे कि एपिलेप्सी है, पार्किंसन डिजीज है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।